इन इफेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट फुटेज इस तरह से इंपोर्ट कर लूँगा। ये देखिए, ये फुटेज मैंने mixkit.com से लिया है, ये रॉयल्टी फ्री फुटेज है, तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद मैं यहाँ पे अपने म्यूजिक को इस तरह से ऐड कर लूँगा, और म्यूजिक को मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखा हुआ था, तो इसको इस तरह से प्रोजेक्ट में ऐड कर लूँगा और इसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं इस तरह से एडिट कर लूँगा। इन इफ़ेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए सबसे पहला चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है वो है कि हमेशा आपको अपने म्यूजिक बीट्स के साथ एडिट करना है, तब जो आपका इफेक्ट होगा वो ज़्यादा उभर के आएगा। तो इसीलिए म्यूजिक को प्ले करके अच्छी तरह से अपने बीट्स को आइडेंटिफाई कर लें जहाँ पे आप इन इफेक्ट्स को ऐड करना चाहते हैं। तो मैं भी यहाँ पे म्यूजिक को प्ले करके आइडेंटिफाई कर लूँगा। तो ये देखिए, ये सबसे पहला बीट है, तो यहीं पे मैं अपने फर्स्ट इफेक्ट को ऐड करना चाहता हूँ, तो इसके थोड़ा सा आगे तक मैं फर्स्ट क्लिप को रखूँगा। मैंने जानबूझ के जो क्लिप है उसको बीट्स के थोड़े आगे तक रखा है ताकि जो ये गैप है वहाँ पर मैं अपना इफेक्ट ऐड कर पाऊँ। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना दूसरा फुटेज इस तरह से ऐड कर लूँगा। ओके, और इसको मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि कहाँ से मैं इस फुटेज को रखना चाहता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ से रखना चाहता हूँ। ओके, तो इसको को मैं इस तरह से ट्रिम कर लूँगा और यहाँ पे जो फर्स्ट फ्रेम है वो मैं सेव कर लूँगा, कैप्चर एंड सेव कर लूँगा उसको। ओके, और उसके बाद आप अपना ब्राउज़र ओपन कर लें और वहाँ पर आप remove.bz साइट में चले जाएं। बेसिकली अभी जो हम लोगों ने जो फ्रेम कैप्चर किया है उसका बैकग्राउंड हम लोग रिमूव करेंगे। ओके, ये सिंपल वे है। तो यहाँ पे अपने इमेज को अपलोड कर दें और अपलोड करते ही ये जो साइट है वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड रिमूव कर देगा, तो इससे आपका काम जो होगा वो बहुत फास्ट हो जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है और इसको सिंपली आप डाउनलोड करके सेव कर लें। और अभी हम फिर से अपने प्रोजेक्ट में चले जाएंगे और यहाँ पे अभी जो हम लोगों ने PNG सेव किया उसको एज ए लेयर ऐड कर लेंगे और इसको मैं अच्छी तरह से पोजीशन कर लूँगा टाइमलाइन में और इसका जो अनवांटेड पोर्शन है उसको मैं ट्रिम कर लूँगा, साइज़ जो है उसको इंक्रीज़ कर लूँगा। यहाँ पे आप फुल स्क्रीन का यूज़ मत करें क्योंकि फुल स्क्रीन का यूज़ करने पर आप बाद में इस PNG को आप एनिमेट नहीं कर पाओगे। और अभी मैं इस PNG को एनिमेट करूँगा और उसके लिए मैं 2 एनिमेशन पॉइंट यहाँ पर ऐड करूँगा, एक क्लिप के फर्स्ट में और एक क्लिप के लास्ट में। फर्स्ट की फ्रेम में चला जाऊंगा और वहां पे मैं इस तरह से PNG को बाहर की तरफ ड्रैग करके रखूंगा ताकि इस तरह का एनिमेशन क्रिएट हो जाए। देखिए, कुछ इस तरह का एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा। ओके, और ये दोनों जो क्लिप है वो सीमलेसली ऐड हो जाएगा। यहाँ पे मैं अपना जो एनिमेशन है उसको थोड़ा सा फास्ट करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं अपना जो फर्स्ट फुटेज है उसको थोड़ा सा क्रॉप कर लूँगा और उसके अकॉर्डिंगली जो PNG है उसको थोड़ा सा हम लोग इस तरह से ड्रैग कर देंगे और उससे मेरा जो एनिमेशन होगा वो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। अभी हम लोग क्रिएट करेंगे अपने दूसरे इफेक्ट को और उसके लिए भी मैं अपना बीट यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लूँगा। ये देखिए, इसी बीट में मैं इस इफेक्ट को ऐड करना चाहता हूँ, तो सिंपली सेम प्रोसेस है, इस फ्रेम को हम सेव कर लेंगे, कैप्चर एंड सेव कर लेंगे और फिर से हम लोग remove.bg में जाके इसका बैकग्राउंड हम लोग रिमूव कर लेंगे। अपलोड इमेज में जाएँ और यहाँ पर इमेज को अपलोड करें और इसको सेव कर लेते हैं। वापस से हम अपना प्रोजेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे जहाँ से हमने फ्रेम को उठाया था उससे पहले हम लोग इस क्लिप को ऐड करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बुकमार्क क्रिएट कर लिया है एंड उसके बाद मैं इसको रिसाइज कर लूँगा और अभी इसको मैं थोड़ा सा आगे तक ड्रैग कर लूँगा और उसके बाद मैं अपने बुकमार्क में चला जाऊँगा। ये देखिए, और यहाँ पर मैं इसको ट्रिम करके जो पीछे का हिस्सा है उसको हम लोग ट्रिम कर लेंगे। ओके, और यहाँ पे हम लोग को एनिमेशन ऐड करना है। ओके, ओवरऑल एनिमेशन में आप जाएं और यहाँ पे फ्लिकर जो इफेक्ट है उसको आप ऐड कर लें। एक बार प्ले करके देखते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह का इफेक्ट क्रिएट हो गया। सिमिलरली हम लोग जो सेकंड इफेक्ट है उसको और एक बार क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे, तो इसको मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। ओके, सेम प्रोसेस है। तो इन इफेक्ट्स को आप अपने एडिटिंग में, अपने वीलॉग्स में आप क्रिएटिवली इसको ऐड कर सकते हैं। डेफिनेटली अपने एडिटिंग स्किल को या फिर अपने जो वीडियो क्वालिटी है, प्रोडक्शन क्वालिटी को डेफिनेटली ये इम्प्रूव करेगा। अभी एक बार प्ले करके देख लेते हैं।
तो अभी हम लोग अपना थर्ड इफेक्ट जो है वो क्रिएट कर लेंगे। काफ़ी सिंपल इफेक्ट है और इस इफेक्ट को आप एक ट्रांजिशन की तरह भी यूज़ कर सकते हो वीडियोस में। तो इसके लिए भी मैं अपने जो बीट है उसको पहले आइडेंटिफाई कर लूँगा। देखिए मैंने अपना बीट जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया है और यहाँ पे मैं अपने थर्ड फुटेज को ऐड कर लूँगा सिंपली। ये सारे फुटेज मैंने mixkit.com से यूज़ किया है, आप जाके देख सकते हो। वहाँ पे बहुत ही अच्छी आपको फ्री एसेट्स मिल जाएंगे जो कि आप डेफिनेटली अपने वीडियोस में यूज़ कर पाओगे। स्प्लिट कर लूँगा यहाँ पे और ये जो छोटा सा एरिया है उसको मैं डुप्लीकेट कर लूँगा और एक लेयर क्रिएट कर लूँगा। और अभी मैं क्रॉप में जाके जो फर्स्ट क्लिप है उसको इस तरह से हाफ तक मैं इस तरह से क्रॉप कर लूँगा और उसी तरह से जो दूसरा क्लिप है उसको मैं सेकेंड हाफ तक क्रॉप कर लूँगा। और अभी हम इन दोनों क्लिप को एनिमेट करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले फर्स्ट क्लिप हम लोग ले लेते हैं और वहाँ पे हम लोग इस तरह से एनिमेट करेंगे। इस तरह से लास्ट में एक की फ्रेम और फर्स्ट में एक की फ्रेम इस तरह से ऐड कर लेते हैं और फर्स्ट की फ्रेम में हम जो क्लिप है उसको इस तरह से नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं और उसका ऑपोजिट एनिमेशन हम लोगों को नीचे के क्लिप में करना है। तो वहाँ पे हम लोग इस तरह से एनिमेट कर लेंगे। जो फर्स्ट एनिमेशन है उसका की फ्रेम का रेफरेंस लेके हम लोग एनिमेट करेंगे ताकि बिल्कुल सिंक्रोनाइज हो और उसको हम लोग इस तरह से ऊपर की तरफ ट्रैक करेंगे। तो एक बार प्ले करके देख लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी एक इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। इसको एक ट्रांजिशन की तरह आप यूज़ करें अपने वीडियोज़ में। देखिए काफ़ी सिंपल इफेक्ट है, पर प्ले कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीन इफेक्ट्स आप लोगों को अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए होंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी और इस वीडियो से आप कुछ सीखे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलता हूं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।